नमस्ते गुड मॉर्निंग मैं कोमल बिस्वाल आपकी कत्थक डांस टीचर मैं गुरु शोभना नारायण जी की स्टूडेंट हूँ आज हम अपनी जो रूट्स रूट्स की क्लास है इसमें स्टार्ट करेंगे नॉर्मल जो मैं नमस्कार से क्लास स्टार्ट करवाती हूँ पहले उसके बाद हम लोग थोड़ा बेसिक तत्काल मूवमेंट्स फटाफट कर लेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं नमस्कार से वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. ता तो ये है आपका नमस्कार जैसे आ, सभी को पता होगा हम अभी जो ताल कर रहे हैं वो है तीन ताल जिसमें टोटल सोलह मात्रा होती है तो हमने जो नमस्कार भी किया है वो सिक्सटीन बीट पे ही किया है तो इसमें सबसे पहले हम जो तत्काल स्टार्ट करेंगे जो तीन लय होती है अलग अलग विलंबित मध्य एंध्रुत तो हम विलंबित लय से तत्काल स्टार्ट करते और इसका बोल इस ताथ थे थे, थे, थे थे तत तो मैं काउंटिंग पे भी करवाऊंगी और बोल पे भी करवाऊंगी ठीक है तो हम लोग अभी स्टार्ट करते काउंटिंग से वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, ओके okay, एक और चीज सबसे मैं बोलना चाहूंगी जब हम लोग तत्काल करते हैं और हम लोग हैंड मूवमेंट्स नहीं यूज कर रहे हैं तो सब अपने हाथों को ऐसे रखेंगे एंड ये मतलब ये जो आपका एकदम सेंटर पॉइंट है चेस्ट है उसके सामने कोई अपने पेट के पास ऐसे लटका के नहीं रखेगा और ऐसे नेक पे नहीं रखेगा एकदम सेंटर में रहेगा ये हैंड्स आपका और शोल्डर स्ट्रेट रहेगा बैक स्ट्रेट कोई ऐसे ढीला होकर डांस नहीं करेगा ओके okay? चलो वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight मैं एक बार पैर बोल रही हूं आप लोगों को तो आप लोग काउंटिंग ही करना मैं आपको सिर्फ पैर बता रही हूं कैसे होगा ठीक है हम पैर मार रहे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट right, left, right, right, left, right, left, left, right, left, right. The counting is 1, two, three, four, 5, 6, seven, eight. and 1. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अगर बोल के साथ करेंगे तो ता थे थे तत, आ थे थे तत, ता थे थे तत, आ थे, थे, तत, आ, थे थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

तत ओके तो ये है तत्काल अभी मैंने डबल में नहीं करा है तो आपको सिर्फ स्लो में बताया है अब हम बेसिक हैंड मूवमेंट्स जो हमारे चार हैंड मूवमेंट्स है जो मैं आपको जो मैंने आपको करवाया है वो एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट तो चार बेसिक मूवमेंट्स मैंने करवाया है और इसी में काउंटिंग के साथ आठ आठ का काउंट है तो चार इधर चार इधर ठीक है चलो वन टू तो फर्स्ट हमारी जो ये मुद्रा है दिस इज अराल मुद्रा ओके okay? इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे अपने सामने जहां पर हमने हाथ जब हम लोग डांस कर रहे थे जब बिना मूवमेंट के जहां पर हमारे ये हस्तक थे वहीं पे ये मुद्रा रहेगी अराल ठीक है वो यहाँ पर रहेगा सेंटर लाइन इज दिस तो इसको क्रॉस नहीं करेगा कोई भी ठीक है सेंटर लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा तो यहां पर हस्तक रहेगा ये और आपका फर्स्ट मूवमेंट फटाफट करना है टाइम नहीं लेना है तो फर्स्ट इज जैसे आप किसी चीज को पुल करके ऊपर जाते हो खींचते हो तो फोर पहले राइट हैंड ठीक है हर कोई राइट right हैंड से स्टार्ट करेगा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट नहीं करेगा पहले आपका राइट right हैंड जाएगा आप इट्स वन टू में टर्न करना है पाम्स को थ्री एंड फोर सामने सो so, और सब लोग अपने रिस्ट को देखेंगे जब आप लोग हैंड्स मूव करते हो रिस्ट को देखना है वापस आके काउंट फोर पे सामने देखना है तो हमारे पास एट काउंट है फोर काउंट हम राइट right हैंड को देंगे एंड फोर काउंट हम लेफ्ट हैंड को दे रहे हैं तो वन पे अपने हैंड्स को देखना है वन सीधा पाम्स आपने फिर पाम्स को टर्न किया ये जो पाम्स है आपका इसको टर्न किया लाइक दिस टू ठीक है थ्री एंड फोर फिर लेफ्ट हैंड एट ओके okay? एक बार फिर से करो वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट क्लियर एक बार हम लोग इसको जिन बच्चों को पहले से आता है वो लोग पैरों के साथ ट्राई करेंगे जिनको नहीं आता है वो सिर्फ अभी हैंड मूवमेंट्स करेंगे ओके okay? चलो इसको हम दो तीन बार करते हैं। फिर आगे बढ़ते वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर दिस इज योर फर्स्ट बेसिक मूवमेंट ठीक है अब क्या है जब मैंने बोला है ना आपको दिस इज योर आ, अराल मुद्रा जो ये मुद्रा है वो यहीं पे रहेगी जब हम मूवमेंट करते हैं ये मुद्रा ओपन हो जाती है और हस्त तक ये हो जाता है हमसास्य इसका नाम है हमसास्य थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आपने अपना ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको अपने थम से टच कर दिया तो दिस इज कॉल्ड अराल इसको ओपन कर दिया लाइक दिस सॉफ्ट हैंड एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा इतना कड़क नहीं रहेगा ये दूसरा हस्तक हो जाएगा सॉफ्ट करो हस्तक को सो दिस इज योर से तो हम लोग इसको हम से करते हुए ऊपर जाओगे सॉफ्ट सॉरी हमसपक्ष नॉट हम से हमसपक्ष ठीक है सो यहां पर हुआ ये ये और वापस नीचे सेम ऊपर आया गया और नीचे जब आप यहाँ अपना दिस इज योर होम ये आपका घर है तो जब आप अपने घर वापस आते हो तो ये मुद्रा जो है अराल हो जाएगी ये बस इतनी सी चीज आपको आपके माइंड में रखना है ओके ये था फर्स्ट मूवमेंट सेकंड सामने हम दो सर्कल बनाएंगे अपने सेंटर पे ही मतलब अपने एकदम सामने कोई नीचे नहीं ऊपर नहीं बिल्कुल सामने जहां पर आपका हाथ है तो पहले जैसे किसी चीज को आप पैटल्स को थ्रो करते हो ना सेम है थ्रो करना तो पहले ये करा वन ठीक है टू आपका शोल्डर लेवल पे आया थ्री एंड फोर ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट सेम फोर और एट पे आपको सामने देखना है बाकी टाइम अपने हैंड्स को रिस्ट को देखना है ओके करें वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री

सेवन एट दिस इज योर सेकेंड बेसिक मूवमेंट थर्ड अच्छा जब आप लोग तत्कार करोगे ना ऐसे बॉडी को एकदम जंपी बौ, बाउंसी बॉडी नहीं रखना है जंप ही नहीं रखना है एकदम स्ट्रेट यहां से अपना बॉडी टाइट रखो सिर्फ आपका पैर उठ रहा है और बैक हो रहा है बहुत बच्चे ना ऐसे ऐसे करते हैं नो no. स्ट्रेट रहना है ठीक है ये जो अपर बॉडी है उसको स्ट्रेट रखना है सिर्फ आपके लेग्स मूव हो रहे हैं सो अब नेक्स्ट थर्ड मूवमेंट है सेम सर्कल्स बनाने हमें सेकेंड में हम लोगों ने सामने बनाए थे थर्ड में हम कॉर्नर्स बनाएंगे एकदम बैक नहीं बेटा देखो अगर आप ऐसे हो जाओगे तो आपका जो हैंड है वो छुप जाएगा वो नहीं दिख रहा आपको अभी मेरा हाथ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा अगर मैं जरा सा डायग्नल ले लूंगी तो आपको मेरा हैंड शो होगा सो दिस इज डायग्नल ओके डायग्नल मूव करना है एकदम पीछे नहीं मूव करना है क्लियर करें थर्ड मूवमेंट देख लो एक बार क्या करना है सामने से जाएगा बिल्कुल सामने से सर्कल होगा वन टू टू में आप चले गए पीछे डायगनली थ्री में दोबारा एल्बो डाउन हो जाएगा हैंड्स वापस आएगा थ्री फोर ठीक है सो वन टू थ्री फोर सेम इस तरफ का फाइव सिक्स सेवन एट ओके वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 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 ये आपका थर्ड है लास्ट अब लास्ट वन रह गया फोर्थ कुछ नहीं करना है आपका हाथ ऐसे दोनों हैंड्स को साथ में ओपन करोगे लाइक दिस ठीक है ओपन किया एंड क्लोज साथ में अब क्या है जो काउंट वन है उसमें आप अपने राइट right साइड देखोगे हैंड्स दोनों ओपन हो गए लेकिन लुक डिफरेंट होगा वन अपना राइट right हैंड को देखोगे टू थ्री फोर सामने फाइव में अपने लेफ्ट हैंड को देखना है सेम हम जो करते हैं राइट लेफ्ट सेम है बस इसमें क्या है दोनों हाथ साथ में ओपन होता है और साथ में क्लोज हो रहा है क्लियर सो वन पे आपने अपने राइट हैंड right को ओपन करा वन टू थ्री फोर और फाइव में लेफ्ट साइड देखोगे फाइव सिक्स सेवन एट क्लियर ओके चलो एक बार करते हैं वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री

सो दिस इज दर फोर बेसिक मूवमेंट अब हम लोग फटाफट दो मिनट में सारे मूवमेंट्स करेंगे टू टू टाइम्स जब मैं बोलूंगी चेंज तो हम चेंज करेंगे ओके okay? तो फर्स्ट सेकेंड ये वाला थर्ड एंड फोर्थ क्लियर वेन आई से चेंज जब मैं बोलूंगी चेंज तो हम लोग दूसरा मूवमेंट करना शुरू कर देंगे ओके वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री 4 5 change One, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven. change 1 2

जो अभी मैं काउंट के साथ करवा रही हूं जिसको नॉलेज है थोड़ा भी बहुत वो लोग इसको बोल के साथ करेंगे ता थे थे तेई थे क्लियर So, ये आपका बेसिक मूवमेंट्स है अभी और जो मैंने अभी तत्कार करवाया था आप लोगों को अभी हम तत्कार करते हैं फटाफट तिहाई के साथ फिर उसको खत्म करेंगे ओके स्टार्ट तत्कार करेंगे सब लोग अपने हैंड्स रखकर तत् वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थोड़ा बढ़ाएंगे

थोड़ा सा और बढ़ाएंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

लेकिन बस हम उसमें ऐड करते थे ता थी ठीक है सो हम लोग जब भी तत्कार करेंगे फिनिश हम लोग तिहाई पे ही करेंगे ओके okay, आगे मैंने आप लोगों को मतलब जो मेरी प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम मैंने आप लोगों को आ, चक्कर सिखाए थे तो हम लोग फटाफट चक्कर कर लेते आठ पैर का चक्कर करवाया था आठ पैर का चक्कर मीन्स आपके दो ही पैर है लेकिन एट काउंट का एक चक्कर लेंगे ठीक है एट काउंट पे एक चक्कर लेंगे तो हम लोगों का जो हम लोग ये कर रहे हैं तत्काल सेम पैर चलेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ लेकिन जो हम तत्काल कर रहे हैं वो हम खड़े होके कर रहे हैं चक्कर में क्या है ऑब्वियसली हमें घूमना पड़ेगा तो क्या है सबसे मेन पॉइंट जब भी भी आप स्पिंस लेते हो चक्कर लेते हो तो मेक अ सेंटर पॉइंट अपने आईज लेवल के हिसाब से एक सेंटर पॉइंट मेंटेन करना है आपको अपना हाइट लेवल और आई लेवल के हिसाब से उसी को देखना है वापस घूम भी आओगे तो उसे देखना है इससे क्या होगा आप लोगों का सर नहीं घूमेगा आपको चक्कर नहीं आएंगे सो so ये बहुत अच्छा एक ट्रिक है तो अगर जो अपना सकता है उसको ऐसे ही करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से करेंगे तो आपको क्या करना है देखो सबसे पहले आप लोग मेरे पैर देखना जो हम तत्काल कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यही पैर चलेंगे लेकिन ये पैर कैसे चलेंगे अभी हम खड़े होके कर रहे हैं एक जगह पर अब हमें घूमना है तो आप लोगों को क्या करना है जो आपका ये लेफ्ट शोल्डर है ओके तो अपने लेफ्ट शोल्डर को पुश करना है मतलब राइट आगे आएगा लेफ्ट पीछे जाएगा कोई उल्टा चक्कर नहीं लेगा राइट हैंड आगे आना चाहिए सब लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना राइट और लेफ्ट का काफी बच्चे लेफ्ट हैंड आगे लाते हैं जब आप टर्न करोगे बॉडी टर्न होगी आपका राइट हैंड राइट शोल्डर आगे आना चाहिए ओके सो वन पे क्या करना है आपको अभी सब लोग अपने हैंड्स को ऐसे रखो अभी हम सिर्फ पैर करेंगे वन, आपने बॉडी टर्न किया है वन, ठीक है लाइक दिस ऐसे खड़े हो इस पे ट्विस्ट करके वन टैप करोगे और लुक आपका फ्रंट होना चाहिए कोई इधर नहीं देखेगा कि आपने टर्न कर लिया तो उधर आपका आ, सेंटर बन गया नहीं सेंटर फोकस जो है वो फ्रंट जो है वो यही है बस अपना बॉडी टर्न कर रहे हो आपका नेक वहीं पर है तभी आपका एक फोकस पॉइंट बनेगा क्लियर चलो तो आप क्या करना है राइट तरफ टर्न करोगे वन आपने टैप किया टू लेफ्ट पे थ्री राइट पे फोर लेफ्ट पे खड़े होके वन टू थ्री फोर अपनी जगह पे मारना है ओके यहां से टर्न किया वन टू थ्री फोर अब फाइव कौन से पैर पे काउंट आता है लेफ्ट पैर पे ही आता है फाइव कौन तो हम लोग लेफ्ट पे ही टैप करके घूमेंगे सो इट्स इट्स समझ आया? तो so होल्ड, अपनी जगह पे होल्ड करके टैप करेंगे फाइव टैप करके हमें घूमना है फाइव लेफ्ट पे ही आएगा बच्चों फाइव सिक्स सेवन एट सामने आ गए क्लियर दोबारा करेंगे वन टू सब लोग हाथ ऐसे रखेंगे अभी मैं बस अपने पैर दिखाने के लिए मैंने अपने सूट को ऐसे पकड़ रखा है बाकी सब लोग ऐसे रखेंगे हाथ ओके okay? चलो वन टू थ्री स्टार्ट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और इसका बोल इस जैसे काउंटिंग है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसका बोल होगा ये इसका बोल है ओके चलो करते एक बार सिर्फ पैर करेंगे फिर हैंड्स बताऊंगी हैं

सो so, ये है पैर अब हैंड्स क्या है जो हमारा लास्ट मैंने आपको बेसिक एक्सरसाइज किया था करवाया था ना दोनों हाथ साथ में खोल रहे हैं और दोनों साथ में बंद कर रहे हैं सेम तो आपको क्या करना है वन पे बॉडी टर्न करके हाथ सामने खोलना है सामने देखोगे वन टू थ्री फोर हैंड्स भी ओपन रहेंगे और पैर यहीं पर टैप करोगे ठीक है वन टू थ्री फोर अब फाइव से जब आप टर्न करना शुरू करोगे आपके हैंड्स क्लोज आपके हैंड्स क्लोज होने शुरू होंगे So, यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट समझ आया एक बार ऐसे देखो सामने मैं बस खड़े होके बता रही हूं वन पे आपने हैंड्स खोला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्लियर ये है तो आपको इसको घूमते हुए कैसे करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके okay, चलो वन टू सब लोग हैंड्स के साथ करेंगे वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 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 सो दिस इज योर एट काउंट का चक्कर सबको क्लियर हो गया अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पांच पैर का उसमें क्या है वैसे जब हम तत्कार करते हैं जो काउंट फाइव है वो हमारा कौन से पैर पे आता है लेफ्ट पैर पे क्लियर लेकिन जब अब हम लोग जब चक्कर लेंगे तो इसमें हम लोग जो लेफ्ट जो काउंट फाइव है वो अपना राइट right पे टैप करेंगे लाइक like दिस सिर्फ पैर देखो दोनों में डिफरेंस देखो जब हम तत्कार करते हैं तो वो करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हम लेफ्ट पे मारते हैं फाइव सिक्स सेवन एट अभी जब हम पांच पैर का चक्कर करेंगे उसमें आपको क्या करना है वन टू थ्री फोर फाइव राइट पे ही फाइव खत्म होगा अगेन वन राइट से शुरू होगा क्लियर सो इट्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव अब इसे घूमना कैसे है देख लो सब लोग एक बार सिर्फ खड़े होके देखोगे मुझे उसके बाद करोगे फॉलो सेम ट्रिक है राइट शोल्डर आगे आएगा वन पे हमने पैर राइट वाला टैप किया है लेकिन हम लोग जब एट काउंट के चक्कर कर रहे थे उसमें हमारे पास बहुत सारा टाइम था हमारे पास एट काउंटिंग थे तो हमारे पास चक्कर लेने के लिए पूरा टाइम था अब हमारा काउंट फाइव हो गया है काउंटिंग कम हो गई है तो टाइमिंग भी कम हो गया है तो जब हम लोग एट वाले काउंटिंग में यहाँ पर फोर्थ तक होल्ड कर रहे थे अब हम लोग होल्ड नहीं करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे वन टू से ही घूमना शुरू कर देंगे टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब हमें होल्ड नहीं करना है वन पे टर्न किया टू थ्री फोर फाइव और सीधा घूमना है उल्टा नहीं घूमना है वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव 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 क्लियर ये थे पैर अब हाथ क्या है सेम हैंड से यही वाले लेकिन जैसे हम लोग होल्ड कर रहे थे अब हम होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी घूमना शुरू कर रहे हैं तो हमारा हाथ बंद होना शुरू हो जाएगा तो लाइक वन टू थ्री फोर फाइव पे सामने ठीक है और सब लोग हैंड्स को ऐसे क्लोज करोगे कोई भी ऐसे ऊपर से सर के ऊपर से नहीं लाएगा ये हाथ खोला एल्बो डाउन करना है एंड रेस्ट डाउन एल्बो अप वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ओके सो ये हमारे चक्कर थे आठ पैर के और पांच पैर के इसका बोल आठ पैर का मैंने बोल बोला था तिगदा दिग् दिग दिग्दा दिग, दिग दिग और पांच पैर का बोल क्या है तिग दा, दिग दिग थे क्या है तिगदा दिग दिग थे तो हम लोग जब करेंगे बोल दिग, दिग थे। एक दो तीन चार पांच दिग दिग थी दिग 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 अब हम लोग आगे एक छोटा सा टुकड़ा करते हैं ये पांच पैर के चक्कर से रिलेटेड ही है वो टुकड़ा वैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ओके सो अब आपको क्या करना है वो टुकड़े का बोल इस सिंपल त, त थे तिगदा थी ठीक है आप पार्ट ए और पार्ट बी में दो पार्ट बनाएंगे इसके पार्ट ए में जो अभी मैं आपको पार्ट ए बता रही हूं वो है तई त, तिग्दा दिग्दिग थी ठीक है एक दो तीन एक दो तीन चार पांच समझ आया तो क्या है त त थे तिगदा दिग्दिग थी त, त थे तिग्दा दिग्दिग थे तत्थे दिक्दा दिक्दिक थे दिक 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 थ्री टाइम्स बोलना है सेम चीज और थोड़ा सा गैप के साथ क्लियर हुआ बोलो सब लोग वन टू थ्री स्टार्ट तत्तथे दिक्दा दिक्दिक थे तत्तथे दिक्दा दिक्दिक थे तत्तथे दिक्दा दिक्दिक थे क्लियर दिक 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 उसके बाद जो पार्ट बी है उसमें सिर्फ तिगदा दिग्दिग्ध आएगा जो तीन बार बोलना है कंटिन्यूटी में आ, बिना रुके तो इस धा समझ में आया एक बार पूरा टुकड़ा सुनो और फिर बोलना है वन टू थ्री स्टार्ट त थे तिग थे दिग्दिग थे दिख दिग् थे ता, ता, थे क्लियर ये है है बोल अब इसके मूवमेंट क्या है? ता, ता, थे, तीन काउंटिंग है वन टू थ्री राइट अब आपको क्या है सिर्फ पहले पैर देखो पैर आपको मानना है त थे राइट लेफ्ट राइट ठीक है त थे सामने खड़े होके मारे तिकदा दिगदिग थे इस चक्कर सीधा चक्कर लेंगे पांच पैर का तिकदा दिगदिग थे वापस आके दोबारा तत थेई तिकदा दिगदिग थे तत थेई तिकदा दिगदिग थे 3 टाइम्स सेम चीज करना है क्लियर क्लियर हुआ पैर और हाथ कैसे करेंगे इसके हम लोग तत तत थेई काउंट है तीन ठीक है लेकिन अब हमारे को क्या करना है तत पहला राइट हैंड राइट हैंड को करेंगे तत तत में गया और वापस आया दूसरा हाथ कमर पे नहीं रखना है दूसरा हाथ यहां रखना है दोनों हाथ यहां रहेंगे तत् ठीक है सो इस तई थे सामने थेई का हाथ सामने रहेगा लाइक थेई क्लियर सो थे दिगदा दिग दिग थे पांच पैर का चक्कर दिगदा दिग दिग में पांच पैर का चक्कर लेना है वन टू थ्री स्टार्ट थे दिगदा दिग दिग थे थे दिगदा दिग दिग थे थे दिगदा दिग दिग थे अब पार्ट बी है कंटिन्यूटी तीन चक्कर पांच पैर के लेना है सब मारना है और ये अराल मुद्रा ये जो है यहां पर अराल मुद्रा है ये ओपन है हज तक जो आपका क्लियर दोबारा से करे वन टू थ्री स्टार्ट त थे दिग दिग थे, ता, ता, थे दिक दिक दा दा। <laughs> जब हम डांस करते हैं हम अपना पूरा बॉडी का यूज करते हैं नॉट ओनली हैंड्स और लेग्स हम अपनी नेक का भी यूज करते हैं हम अपनी आईज़ का भी यूज करते हैं है ना तो अपनी नेक और आइस को यूज करो टर्न करो नेक्स को टर्न करो जितना शार्प आपका नेक जाएगा उतना ही सुंदर आपका बॉडी और बॉडी मूवमेंट लगेगा अगर आप ये ये करोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा ठीक है एकदम शार्प जाना चाहिए नेक त थे, थे पे सामने कि क्या हो गया एक सेकंड में आपने इधर उधर क्या कर दिया ओके नेक्स्ट टुकड़ा मैं करवा रही हूं आपको उसमें क्या है त्राम थे एक त्राम वर्ड यूज़ होगा फर्स्ट टुकड़े के जैसा ही है बस हम लोग ऐड करेंगे, करेंगे उसमें तो क्या है बोल उसका पार्ट ए जो है जो पार्ट बी है वो एज इट इज है पार्ट ए क्या है त त्राम थे थ्री टाइम्स बोलना है तिगदा दिग दिग थे तिगदा दिग दिग थे तिगदा दिग दिग थे तिगदा दिग दिग धा क्लियर समझ आया कोई डाउट है एक बार दोबारा सुन लो पार्ट ए में आपको सिर्फ एक ट्राम वर्ड यूज करना है इट्स तर आप फर्स्ट वाले टुकड़े में बोल रहे थे तत तत थे तिगदा दिग दिग थे अब इसमें सिर्फ त्राम यूज होगा तत तत त्राम थे तिगदा दिग दिग थे तत तत त्राम थे तिगदा दिग त तत्रां थे तिकदा दिगदिग थे तिकदा दिगदिग थे क्लियर एक बार बोलेंगे वन टू थ्री स्टार्ट त तत्रां थे तिकदा दिगदिग थे त तत्रां थे तिकदा दिगदिग थे त तत्रां थे तिकदा दिगदिग थे

त त्राम थे ऐसे टो पे जंप करना टो पे लाइक दिस ओके थ्राम और थे से राइट पैर को टैप करना है थे ठीक है सो so, त त्राम थे और तिकदा दिग दिग थे तो सेम है पांच पैर का चक्कर क्लियर सिर्फ थ्राम का पैर चेंज हुआ त त्राम थे तिकदा दिग दिग थे त्राम थेई तिगदा दिग दिख थे त्राम थे थ्री टाइम्स किया उसके बाद दिख दिग दिख थे क्लियर अब इसके हाथ कैसे है हाथ देख लो सेम तत सेम हैंड है अच्छा दोनों हाथ साथ में नहीं खुलेंगे एक एक अलग अलग वर्ड है तो अलग अलग चलेगा तत तथ ओके okay, पहले राइट right, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट अब त्राम क्या है सब लोग अपने हैंड्स को लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट को यहां पे रखो उसके पाम को खुद देखो ठीक है राइट राइट हैंड जो है आपका राइट right हैंड के अंदर से क्रॉस करो और पाम आउट करो ठीक है और दिस इज योर फ्रेम देखो आपको मेरा फेस दिख रहा है इस फ्रेम में से कोई ऐसे नहीं झाकेगा ये नहीं झाकना है सामने ये फ्रेम है इसको घुमाकर नीचे लाना है यस ठीक है यहां से घुमाया ये जो आपका ल राइट हैंड है इसको अंदर से घुमाना है राइट हैंड को अंदर से घुमाते हुए क्रॉस करके नीचे लाना है त्राम और थी यहीं पे मारना है खड़े होके सो इस ता, ता, त्राम थी मूवमेंट मूवमेंट देखो सब लोग ट त्राम थे पूरा मूवमेंट के साथ करेंगे ओके त त्राम थे अच्छा चिड़िया नहीं उड़ानी है बहुत बच्चे ना चिड़िया उड़ा देते नहीं प्रॉपर मूवमेंट करना है आपको ये दिखाया है ना मैंने मूवमेंट इसको करना है ठीक है बाद में प्रैक्टिस करना इसको प्रैक्टिस करना घर में बैठकर बार 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 इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना हो जाएगा

चलो ठीक है सब लोग नमस्कार करो वन टू थ्री स्टार्ट्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन धा आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू नमस्ते